हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल आर्ट ऑफ मैथमेटिका। आज हम जो करेंगे वो है कि क्लास जो सेवन का, हाँ डेफिनेटली ये जो सेशन है, ये जो लेक्चर है क्लास सेवन का है। तो क्लास सेवन में जो चैप्टर एट है वहाँ पे जो वर्कशीट फाइव है, देखो ऐसे तो मैं इसको बस ऐसे ही खत्म कर सकता हूँ, जस्ट दो तीन लाइन बोल के मैं इसको खत्म कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना बच्चों को कोई कुछ कुछ टर्म जो है उसमें उन लोगों को दिक्कत होता है, जैसे कि मीडियंस, ऑर्थोसेंटर, सेंट्रोइड, बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है। मैंने देखा है कि ये हर साल का बात है, ऐसा नहीं कोई एक साल में ऐसा होता है, हर साल ऐसा होता है और ज्यादातर बच्चे को ये प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो तो थोड़ा लेंदी होगा तो होने दो, लेकिन मैं एक्सप्लेन इसका जो कंसेप्ट है इसको ठीक से एक्सप्लेन करना है। और एक बात गारंटी देता हूँ, मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक से सुनो, पूरा स्किप मत करना, ठीक से सुनना। उसके बाद जो वर्कशीट फाइव आएगा ना, जो वर्कशीट फाइव आएगा तुम खुद से कर पाओगे, ये मेरा बिलीव है, मैं एकदम एंड 100% आई एम श्योर। ठीक से सुनना, समझने की कोशिश करना, अगर कोई पार्ट को तुम्हें दिक्कत हो तो उसको थोड़ा रिवाइंड करके और एक बार सुन लेना, तो तुम्हारा डाउट क्लियर हो ही जाएगा, ये मेरा बिलीव है एंड होना ही चाहिए। वन बाई वन हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो वर्कशीट फाइव है इसमें है मीडियंस एंड सेंट्रोइड, ये सब क्या है इसको इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हमें एक बात कहना है, ध्यान से सुनना, ट्रायंगल में तो बाद में आएंगे हम, क्लास सिक्स में चले जाते हैं। चलो तो क्लास सिक्स में क्या करे थे हम लोग, याद है दो लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करा है, देखो यहाँ पे इस जगह पे, हाँ। और अगर दो के जगह हम तीन ले ले, चलो यहाँ पे देखो कि एक दो तीन, तीनों लाइन, और तीन से ज्यादा भी ले सकते हो, एक दो सोचो ये तीन है, अच्छा तुम उससे भी ज्यादा ले सकते हो, बस इसमें ही हम एक्सप्लेन कर सकेंगे तुम्हें। देखो जो पहला वाला था उसमें क्या था, दो ही लाइन था, तो ये जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, याद है तुम लोगों को, क्लास सिक्स में अगर ठीक से पढ़ोगे तो इसको तुम्हें याद रहना ही चाहिए। क्या था क्लास सिक्स में, फिर से चले जाओ, अगर तुम लोगों के पास क्लास सिक्स का बुक है ना, एक बार जो लाइन सेगमेंट का जो चैप्टर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, उस जगह को एक बार पढ़ लो, ओके। तो अगर फिर से मैं यहां पे भी कह देता हूं, सुन लो, दो लाइन अगर होगा इंटरसेक्ट करेगा तो इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके। अब इन दो लाइन को क्या कहेंगे, ये तो लाइन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही लेके एक नाम है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, या सो इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके ना। ये जो लाइन है, ये दो लाइन जो ऐसे सोचो कि ये दो मार्कर पेन मेरे पास है, ये दोनों एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट को देखो कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट में, तो वो तो पॉइंट है, और ये दोनों जो लाइन है तो इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ, इसलिए तो कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब वो पॉइंट के बारे में कह रहा है यहां पे। और ये जो है लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो दो लाइन फॉर्म कर रहा है उनको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे ना, और इस ऐसे भी कर सकते हो कि दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा तो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, और जिस पॉइंट में ये दोनों इंटरसेक्ट करेगी उसको कहेंगे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहां तक क्लियर है, ये सिक्स का हम एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी जो है यहां पे तीन लाइन है, तीन लाइन मतलब क्या है कि ए दो से ज्यादा, तो ये भी, तो ये भी देखो यहां पे भी देखो दोनों जो यहां पे भी देखो दोनों जो है एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं एकदम, तो इन लाइन का भी एक नाम होना चाहिए। अब देखो इसमें तो थोड़ा, इन दोनों में तो थोड़ा डिफरेंस अंतर है ही ना यहाँ पे दो कर रहा था, इसमें तीन, इसमें चार, तो दो से अगर ज्यादा हो गया ना, याद रखना दो से अगर ज्यादा हो गया तो उसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट, ओके। और पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, है ना। तो अब चार, तीन से ज्यादा अगर चार भी होगा तो ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, सी वॉट एवर, एंड दीज पॉइंट लाइन सर कॉन्करेंट लाइन, मतलब दो से अगर ज्यादा हो गया ना तो तीन हुआ, चार हुआ, पांच, छह, और इन्फिनिटी लाइन सर इंटरसेक्टिंग इन वन पॉइंट,
or there passes through one point, rather I should say there passes through one point more than two. If it is more than two, whatever the numbers, always it is called point of concurrency, and these lines are called point of concurrency. समझ में आ गया? तो अब तुम कहोगे सर इसमें अलग करने की क्या जरूरत था? देखो अब और कैसे याद रखोगे? इंटरसेक्टिंग मतलब दोनों लाइन अगर मीट करेगा तभी तो एक पॉइंट में मीट करेगा ना, एक ये पॉइंट मिलेगा. अगर एक ही लाइन तुम ड्रॉ करोगे तो इसमें तो इंटरसेक्टिंग का मतलब कोई मतलब जो और एक लाइन नहीं ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग का कुछ बात ही नहीं आएगा ना. समझ में आ रहा है ना? तो ये लोग तो मिनिमम दो लाइन चाहिए हमें एक पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए, है ना? समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए देखो ये दो से ज्यादा हो गया, मतलब दो मिनिमम जो है दो, इसलिए उसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं. और उससे ज्यादा हो गया तो कोई भी हो नंबर, तो उसको पॉइंट ऑफ कॉन्कर्रेंसी कहेंगे. क्यों इतना सब क्यों करा? पांच मिनट में बग करा ना क्यों? देखो अब ये ट्रायंगल में हम आएंगे ना, तो यहाँ पे डेफिनेशन में तुम्हें थोड़ा हेल्प होगा, इसलिए मैंने ये सिक्स का फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया. तो अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे. ट्रायंगल में इसको एक्सप्लेन करने वाले हम, ठीक है ना? अब बताओ ट्रायंगल में जो ये जो ट्रायंगल है इसमें कितना वर्टेक्स है? तीन, एक दो तीन, एबीसी थ्री वर्टेक्स आर देयर. तो इसमें अगर याद रखना, अब हम आने वाले हैं मीडियन में. ओके मीडियन में आएंगे, फिर जो अभी सिक्स का जो एक्सप्लेन करा वो उसको यहां पे रिलेट करेंगे. तो पहले देखो मीडियन क्या है. मीडियन जो नेम है ना उसमें सब कुछ छुपा है. क्या है मीडियन? मीनिंग मिडिल कुछ है. मीडियन मिडिल है ना. तो मिडिल क्या है? देखो अगर कोई भी वर्टेक्स तुम चूज कर लो तो वहां से तुम क्या कर सकते हो, बहुत सारे लाइन जो है लाइन सेगमेंट जो है तुम ड्रॉ कर सकते हो. जैसे कि ये वाला ये भी बहुत कुछ है यहां पे, है ना? तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो एक वर्टेक्स से तुम ज्वाइन करोगे ऑपोजिट लाइन साइड को, कैसा होना है वो मीड पॉइंट. मतलब सुन लो फिर से, मैंने मीडियन कहा ना, अब देखो मैंने कहा मिडिल, इससे क्या आता है मीडियन. ओके मिडिल से मीडियन, इसको याद रखो. तो अब कोई भी वर्टेक्स से तुम्हें क्या करना है, पहले एक साइड को चूज कर लो. यहां पे तीनों साइड है, तीनों साइड में कोई भी एक साइड को चूज करो. चलो मैं बीसी को चूज करता हूं. तो यहां पे बीसी में जो है मिड पॉइंट फाइंड आउट करो. यहां पे मिड पॉइंट सोचो यहां पे होने वाला है. मिल गया मिड पॉइंट, तुम्हें मिड पॉइंट मिल गया. और यहां पे एक पॉइंट भी है वर्टेक्स, मतलब ये एक पॉइंट है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो यहां पे एक पॉइंट मिलेगा. तो ये पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ठीक है? ये जो मिलेगा ये तुम्हें मीडियन मिल जाएगा. फिर से सुन लो, मीडियन कैसे करोगे? एक वर्टेक्स को चूज करो और उसका ऑपोजिट साइड में चले जाओ. उसमें क्या करोगे, मिड पॉइंट फाइंड आउट करो, क्योंकि हमें मीडियन फाइंड आउट करना है. मीडियन मतलब मिडिल पॉइंट फाइंड आउट करना है. समझ में आ गया? मतलब इन दोनों का लेंथ सेम होने वाला. अगर ये टोटल बीसी 10 होगा ना, तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर होगा. समझ में आ रहा है तुम लोगों को यहां तक? तो इक्वली डिवाइड होने वाला है. मीडियन मतलब क्या होता है? इक्वली डिवाइड. तो मीडियन का डेफिनेशन क्या होने वाला है कि अ लाइन सेगमेंट. अब देखो डेफिनेशन में ही सब कुछ छुपा हुआ है. लाइन सेगमेंट क्यों? ये तो लाइन नहीं हो सकता है, ये तो फिक्स्ड है, दोनों पॉइंट उसका फिक्स्ड है. तो आ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑपोजिट टू द वर्टेक्स. सो मीडियन का डेफिनेशन क्या हो गया? देखो यहां पे तुम्हारे बुक में जो दिया गया है कि मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज द लाइन सेगमेंट. हो गया ना, ये लाइन सेगमेंट है. अभी मैंने कहा तो क्या होगा, लाइन सेगमेंट दैट ज्वाइंस अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड. डेफिनेटली वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड. इसका ऑपोजिट साइड बीसी है, मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड. तो इनको ज्वाइन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, मीडियन. मतलब ये जो ब्लू कलर का ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये क्या है, मीडियन है. तो अब बताओ यहां पे तीनों वर्टेक्स है, तीन साइड है, तो कितना मीडियन मिलेगा, तीन. तो उसको ड्रॉ करते, तो यहां पे सोचो मिडिल पॉइंट जो ये है ज्वाइन कर लो, दो मीडियन ड्रॉ हो गया. अब सी से मीडियन को ड्रॉ करना है, सोचो कि ये मिड पॉइंट है, अब इसको ज्वाइन करो. एक चीज नोटिस करना, जब भी तीनों मीडियन को तुम ज्वाइन करोगे ना, ऑपोजिट भार्ट मतलब मीडियन ड्रॉ करोगे ना,
तो क्या मिलेगा, देखना एक मतलब ऑब्जर्वेशन करना कि तीनों ही एक ही पॉइंट से पास करने वाले हैं, तीनों ही एक ही पॉइंट से पास करने वाले हैं। तो आप कह सकते हो, हमें हमें बता सकते हो ये पॉइंट का हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। बताओ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस नो, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि तीनों पॉइंट दो से ज्यादा अगर हो गया पॉइंट तो उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। दो होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये लाइन और ये लाइन सी पॉइंट में इंटरसेक्ट करा है। मैंने अभी भी क्या कहा, इंटरसेक्ट करा है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है सी। लेकिन ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, समझ में आ गया। तो यहां पे जो है, चलो इसको अगर नाम दे देते हैं डी ई एफ, तो ए डी बी ई एंड सी एफ, एंड सी एफ आर्स आर द मीडियंस, ओके ना। अब तीनों ही एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस तो कहेंगे। लेकिन यहां पे एक खासियत है, क्या खासियत, कि ये तीनों जो है वो मीडियन है, तो उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का भी एक अलग सा नाम होना चाहिए, है या नहीं। ये तीनों तो जो है ना, ये कॉन्करेंट लाइन है और लाइन सेगमेंट है, यहां पे लाइन सेगमेंट होगा, कॉन्करेंट लाइन सेगमेंट। और ये जो पॉइंट है ये क्या होगा, इसका एक नाम होना चाहिए, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब हाँ तीनों एक ही पॉइंट में तीनों मीट कर रहे हैं, मीडियन, ओके ना। तो इसका जो नाम होने वाला है वो है सेंट्रॉइड, समझ में आ गया। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। देखो डेफिनेशन खुद ब खुद आ जाएगा, तुम्हें याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ये क्यों पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हुआ, समझ में आ गया। दो से ज्यादा लाइन ऑफ द मीडियंस आर कॉल्ड क्या, सेंट्रॉइड, समझ में आ गया तुमको। तो चलो, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, जनरली इसको हम जी से डिनोट करते हैं, जी, कैपिटल लेटर जी, ओके। तो ये है मीडियन का कंसेप्ट। अब और कुछ थोड़ा थोड़ा चीज बाकी है तो वो भी सुन लो। यहां पे एक खासियत है कि देखो ए जी एंड जी डी, मतलब फिर से और एक ड्रॉ करते हैं हम, देख लो या ठीक से सुनना, हाँ फिर हम एक्सरसाइज को भी कर देंगे। अब देखो ये मिड पॉइंट फाइंड आउट करो सब तीनों का, अब इन उन तीनों को ज्वाइन करते जाओ। चलो कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये ज्वाइन होने वाला है, ये होने वाला है, और ये, तो मीडियन मिल गया ना हमें, सोचो ए बी सी और ये जी। अब ये मीडियन जो है ना 2:1 रेशियो से डिवाइड होता है सेंट्रॉइड में, सेंट्रॉइड मतलब इस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी में। तो मतलब ऊपर वाला हमेशा 2 होगा, ऊपर वाला पार्ट जो होगा, मतलब जो वर्टेक्स से ज्वाइन होने वाला है वो हमेशा ज्यादा पार्ट लेने वाला है, और जो नीचे होगा वो 1 होगा। फिर से सुनो, यहां पे बताओ अब डी, चलो एक काम करते हैं, इसका नाम को लिख देते हैं, ये है डी ई एफ नो। तो मतलब ए जी का जो पार्ट है वो 2 पार्ट है, मतलब ए जी इज टू जी डी, ये क्या होगा 2:1, मीडियंस डिवाइड्स एट सेंट्रॉइड 2:1 रेशियो, ठीक है ना। अब बताओ बी जी इज टू जी ई, अब ये क्या होगा, फिर से 2:1 ही होगा। कैसे, देखो बी वर्टेक्स से, वर्टेक्स से जो पॉइंट डिवाइड हो रहा है, मतलब एक लाइन सेगमेंट में वर्टेक्स पॉइंट को लेके जो लाइन सेगमेंट मिल रहा है, ठीक है ना, वो क्या है, ज्यादा पार्ट लेने वाला है। अब यहां पे सी एफ में देखो वर्टेक्स कहां है, सी है, तो सी से जी तक जो होगा वो ज्यादा पार्ट लेने वाला है, यहां पे 2:1 हो गया। अब यहां पे देखो ये भी, ये नीचे वाला ये पार्ट जो होगा 2 पार्ट होगा, और ये पार्ट क्या होने वाला है 1, समझ में आ गया तुम सबको। तो कौन सा पार्ट 2 होने वाला है, कौन सा पार्ट 1, ये भी समझ में आ गया ना। वर्टेक्स से जो आएगा वो ज्यादा पार्ट होने वाला है 2, तो याद रखना मीडियंस कौन सी रेशियो में डिवाइड होता है, सेंट्रॉइड मीडियंस को कौन सी रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में। कौन सा पार्ट 2 होगा, कौन सा पार्ट 1 होगा, समझ में आ गया बस। और एक ही चीज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में याद रखना, इसको ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, वो लास्ट वर्कशीट में हम ये भी एक्सप्लेन कर देंगे, एक सिमिलरिटी तुम लोगों को दिखाएंगे। तो वो क्या है, अभी जो है इसको याद रख सकते हो कि एक अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल तुम ड्रॉ कर दोगे ना, तो ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ये जस्ट एक्स्ट्रा पार्ट है, तुम याद अभी भी रख सकते हो, बाद में भी इसको हम कहेंगे।
तो क्या होने वाला है, मिड पॉइंट जो होगा वो परपेंडिकुलर, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना, डी ई एफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमेशा याद रखना उसका मीडियन उसका परपेंडिकुलर हो जाता है। ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे, डोंट वरी। बस और दो चार पॉइंट ही है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर वर्कशीट को स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट खत्म करने में दो से तीन मिनट लगेगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो है देखो, द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। तो एक बात जो मैंने अभी भी कहा ना कि यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ करा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, याद रखो। सो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें जो लेंथ ऑफ द मीडियंस है, मतलब जो लेंथ है, मेजरमेंट है, सोचो कि अगर ये 5 सेंटीमीटर हुआ AD, तो B मतलब यहाँ पे AD इक्वल्स टू BE इक्वल्स टू CF, तो ये जो लेंथ होगा मीडियन का ये सेम होगा। जनरल ट्रायंगल में ये मीडियन का मतलब AD BE CF का लेंथ इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि ये स्केलिंग ट्रायंगल है। तो फंडा जो है ना, जो दो जो साइड इक्वल होगा उसका मीडियन भी इक्वल होगा। सोचो कि अगर आइसोसेलिस ट्रायंगल, सोचो अगर हम आइसोसेलिस ट्रायंगल चूज कर ले, तो ये दोनों साइड है ना इक्वल ए बी सी में। अब बोलो कौन सा दो साइड इक्वल है, ए बी एंड ए सी, ओके, आइसोसेलिस ट्रायंगल ए बी एंड ए सी में बोलो, ये दो साइड इक्वल हो गया ना, तो यहां से जो बी से जो मीडियन ड्रॉ करेंगे और सी से जो मीडियन ड्रॉ करेंगे उन दोनों का लेंथ इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये दो साइड इक्वल है, मतलब दो जो साइड इक्वल होगा उसका मीडियन, मतलब उस साइड में जो मीडियन होने वाला है, मतलब बी अगर बी सी किसी से इक्वल होगा तो बी सी में कौन सा आ गया ए डी, तो ए डी उस साइड में जो मीडियन आएगा उससे इक्वल होगा। जैसे कि बी सी अगर ए ए सी से इक्वल हुआ, सोचो तो बी सी में कौन आ रहा है ए डी और ए सी में कौन आ रहा है बी ई, तो ये दोनों इक्वल होगा, जैसे यहां पे मैंने करा है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब साइड इक्वल है ना, तीनों साइड का लेंथ ही इक्वल है, तो क्या होने वाला है, तीनों मीडियन का लेंथ इक्वल होगा, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओ आइसोसेलिस में कौन होगा, कौन दोनों, ये दोनों इक्वल होगा, मतलब यहां पे चलो ये अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका लेंथ अलग है, मतलब ब्लू से करा, मतलब ब्लू जो है रेड कलर से डिफरेंट है, रेड कलर मतलब ये दोनों सेम है डी ई एफ, तो यहां पे जो होगा बी ई इक्वल्स टू सी एफ, याद रखना क्योंकि ए सी एंड बी सी इक्वल है, इसलिए समझ में आ गया तुम लोगों को, तो बस ऐसे कर सकते हो। ओके अब जो है चलो और कुछ पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं, अगर मैंने मिस कर दिया तो। मीडियंस ऑफ द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल आर इक्वल, मैंने अभी भी कह दिया ये पहले ही कह चुका हूं, द मीडियंस टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द बेस। ये सिर्फ मीडियंस आइसोसेलिस ट्रायंगल का ही नहीं है, ये परपेंडिकुलर टू द बेस है, ये मतलब जो होगा जो अनइक्वल है लेंथ वो अगर मतलब ये इक्वल साइड्स का जो वर्टेक्स है, इक्वल साइड जो वर्टेक्स में इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना तो वो परपेंडिकुलर होगा बेस से। यहाँ पे तो सारे परपेंडिकुलर है याद रखना, क्योंकि यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है तो ये सारे परपेंडिकुलर होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में। यहाँ ये नहीं दिया गया है, एक्स्ट्रा चीज मैंने कह दिया है इसको। और जो है द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड ईच वन ऑफ द मीडियंस आर इन द रेशियो 2:1, मैंने ये कह चुका हूं। चलो फिर वर्कशीट जो है 5 है इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया था कि बोर्ड में सब कुछ लिख के रखा है, तो एक वन बाय वन करते हैं। देखो एक काम करो, पहले वीडियो को पॉज कर लो, फिर वन को देखो, फिर टू को ऐसे पॉज करते करते करो, देखो मेरे साथ करो, तुम लोगों का ये जो वर्कशीट है अभी तैयार हो जाएगा। अगर ठीक से तुम लोग वो मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में तुम लोगों को आ गया ना तो ये तुम कर पाओगे। तो यहाँ पे जो कहा गया कि अब मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज डैश दैट ज्वाइंस अ वर्टेक्स टू डैश, मीडियन क्या है, लाइन सेगमेंट है ना, मैंने कहा ना एक अगर ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो उसका मीडियन ये वाला होगा, तो ये फिक्स्ड है, ये भी हो सकता है मीडियन, तो ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड मतलब उनका लाइन का जो लेंथ है वो फिक्स्ड, मतलब वो लाइन सेगमेंट है, दोनों एंड पॉइंट में क्या है तुम्हें दो एंड पॉइंट मिलेगा, है ना, तो लाइन सेगमेंट आई कैन राइट लाइन सेगमेंट्स, सो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज लाइन सेगमेंट That joins a vertex to the midpoint. Medians, मैंने कहा था ना median से median midpoint को याद रखो middle. Got it? हो गया. Next, median of a triangle are क्या concurrent? तीनों line segment जो एक ही point में meet कर रहा है ना, तो concurrent.
तो लिखो यहां पे मीडियन, मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट. नेक्स्ट, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल लाइज इन द डैश ऑफ द ट्राइंगल. मतलब यहां पे पूछा गया कि सेंट्रॉइड जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट जो, वो ट्राइंगल के भीतर रहेगा या बाहर. एक्चुअली स्केलिन ट्राइंगल चूज करो, आइसोसेलिस कुछ भी चूज करो, राइट एंगल, वो हमेशा भीतर, इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब इंटीरियर. ओके, इंटीरियर याद रखना इसको, इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. ओके, अब तुम कहोगे सर ये तो हमेशा इंटीरियर होना चाहिए, ये ट्राइंगल भीतर में बीचों बीच हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये बाहर कैसे जाएगा. हाँ, सेंट्रॉइड के लिए इंटीरियर हमेशा है, लेकिन हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे ना ऑर्थो सेंटर और जो अलग अलग, उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ कुछ स्पेशल केसेस जो है वन बाय वन, वो हम एक्सप्लेन करेंगे. तो वहां पे तुम देख लेना कि ये हमेशा भीतर में नहीं रहेगा, इसका प्लेस चेंज होने वाला है टाइम टाइम. ट्राइंगल तुम चेंज करोगे तो उसका प्लेसमेंट भी चेंज होने वाला है, कभी इंटीरियर, कभी एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल, कभी इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, कभी एक्सटीरियर. समझ में आ गया? तो चलो तब हम एक्सप्लेन करेंगे. द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो. मैंने कहा था ऊपर जो पार्ट होगा वो 2, नीचे जो होगा 1, 2:1. सो 2:1 रेशियो. तो कौन सी रेशियो में ये डिवाइड होता है? 2:1 रेशियो. चलो अब जो नेक्स्ट है ये बहुत इजी एक्सप्लेन करने होगी, जैसा कुछ नहीं है. हो गया एक्सप्लेनेशन. इन एन आइसोसेलिस ट्राइंगल द मीडियंस टू द इक्वल साइड्स आर. अब जो साइड इक्वल होगा उनका मीडियन क्या होने वाला है? इक्वल होगा, इक्वल. अब जो लास्ट है, द थ्री मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर. इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब साइड इक्वल है, मतलब मीडियंस भी इक्वल होगा. तो बस हो गया आज के लिए इतना ही. सो आई थिंक मैंने जो इसका कंसेप्ट है ठीक से एक्सप्लेन करा है. आई थिंक तुम सबको ये समझ में आ गया है. तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे एक्सप्लेन, मतलब बोल दो कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया है, और सर एक थम्स अप भी दे दो, कुछ भी कर सकते हो, और समझ में नहीं आया वो भी बताओ हमें. सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर दिस टू योर फ्रेंड्स, टू जिनको जरूरत है उसको शेयर करो, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए. सो और एक बात कहना है, अगर तुम इस चैनल में नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे. और सो तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड गुड बाय.